हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज कनिष्का। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओवरलैपिंग जनरेशन मॉडल। तो ये क्या होता है, किसने दिया है ओवरलैपिंग जनरेशन मॉडल, सबसे पहले देखेंगे तो सैमुएलसन ने दिया है 1954 में। ओवरलैपिंग जनरेशन का मीनिंग क्या है? जनरेशन मतलब पीढ़ी, तो एक पीढ़ी के ऊपर दूसरी पीढ़ी, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर आते हैं। तो जब भी दो पीढ़ियाँ एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दो पीढ़ी होंगी, मतलब दो जनरेशन एक साथ जी रही होगी लाइफ टाइम में, तो उसको ओवरलैपिंग जनरेशन मॉडल बोलेंगे। हमारी लाइफ टाइम में दो जनरेशन कंसीडर की गई है इस मॉडल में, तो वो ओवरलैप होंगी, एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होंगी। जैसे हम अभी जी रहे हैं तो हमसे बूढ़े भी जी रहे हैं इसी एज में, एंड जो नेक्स्ट एज आने वाली है वो हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी तो उसमें हम बूढ़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो जनरेशन ओवरलैप करती हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे एक इंडिविजुअल है जो कि पैदा होता है टी टाइम पीरियड में, और वो अलाइव रहता है दो टाइम पीरियड तक, जब वो टी में है मतलब उसका यंग एज, एंड टी प्लस वन में उसकी ओल्ड एज आ जाएगी जब वो ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पे दो एज कंसिडर करते हैं हम, दो टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं। टी को बोलेंगे जब वो यंग है, एंड टी प्लस वन बोलेंगे जब वो ओल्ड की तरफ कंसिडर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अब हम इंडिविजुअल जब पैदा होता है, जब नेक्स्ट पीरियड में जाएगा तब उसके पास और जनरेशन आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जब बॉर्न हुए हैं तो हमारे से ओल्ड भी हमारी जनरेशन में रह रहे थे, मतलब एक टाइम पीरियड में हमसे बड़ी जनरेशन भी रह रही थी, एंड जब हम ओल्ड हो जाएंगे तो हमारे साथ हमारी छोटी जनरेशन भी रहना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे दो टाइम पीरियड कंसिडर किए गए हैं, फर्स्ट पीरियड टाइम दिया है एंड सेकेंड पीरियड नाम दिया है। यहाँ पे जो टी टाइम पीरियड है जहाँ पे बच्चा बॉर्न हो रहा है उसको टी बोला है, एंड वहीं पे वो जब टी प्लस वन मतलब जो बच्चा बूढ़ा हो जाता है तो उसको टी प्लस वन टाइम पीरियड डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे हम दो टाइम पीरियड में जिंदा रह रहे हैं, जब भी जहाँ से भी हम बॉर्न होते हैं और वहाँ से हमारी डेथ तक हम दो टाइम पीरियड में जीते हैं। एक है टी जहाँ पे हम यंग होते हैं, एंड एक है टी प्लस वन जहाँ पे हम ओल्ड हो जाते हैं। एंड जब हमारा टी टाइम पीरियड चल रहा होगा, जब हम बॉर्न हुए हैं तब हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ रह रहे हैं, तो वो टी प्लस वन एज में आ जाएंगे, तो उनकी ओल्ड एज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको किसी किसी बुक में टी माइनस वन से भी कंसिडर किया गया है, पर हम मॉडल पढ़ते हुए इसको टी प्लस वन कंसिडर करेंगे तो इजिली हमारा हो जाएगा ये मॉडल कवर। तो यहाँ पे टी का मतलब है जो बच्चे बॉर्न हुए हैं, एंड उनकी जो पीढ़ी है ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स, वो टी प्लस वन में आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट पीरियड हमारा ऐसे चल रहा है। जब ये टी प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जब ये बच्चा यंग है वो ओल्ड में कंसिडर करा जाएगा, ओल्ड बन जाएगा जब वो, तो वहां पे इसकी न्यू जनरेशन पैदा हो जाएगी। तो वहां पे टी टी जनरेशन और आ जाएगी, वहां पे हम बोलेंगे कि नए बच्चे ऑन बॉर्न हो गए हैं, हमारी न्यू जनरेशन और आ गई है। तो सेकेंड पीरियड हमारा ऐसे चलता है। तो यहाँ पे ओवरलैप का मतलब है हमारी जो ये दो जनरेशन है, एक टी और टी प्लस वन, ये एक साथ एक ही टाइम पीरियड में ओवरलैप करते हैं। फर्स्ट टाइम पीरियड में टी जब हम बॉर्न थे, फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड में जब हम ओल्ड हो जाएंगे तब हमारी एक न्यू जनरेशन आ जाएगी, वो टी बन जाएगी फिर, एंड ऐसे ही आगे सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो अब हम इसमें देखेंगे इस मॉडल के हिसाब से कि ओवरलैप कैसे करती हैं, तो हमारा कंजप्शन पैटर्न क्या रहेगा, यूटिलिटी क्या रहेगी, एंड स्टेडी पॉइंट यहाँ पे कैसे निकलेंगे। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो इस मॉडल में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या ली गई हैं, या अजम्पशंस भी बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो एज्यूम करके चले हैं इस मॉडल को पढ़ने से पहले। अब इंडिविजुअल यहाँ पे दो पीरियड्स के लिए जिंदा है, एक तो वो यंग है टी टाइम पीरियड में, एंड टी प्लस वन में वो ओल्ड हो जाता है। यहाँ पे ये अजम्पशन है कि यहाँ पे जो दो टाइम पीरियड्स हैं, जो लोग रह रहे हैं वो दो टाइम पीरियड के लिए रह रहे हैं, एंड वो जल्दी नहीं मरते, जैसे कि वो ओल्ड होने से पहले ही नहीं मर जाएंगे। ये इसकी अजम्पशन है कि यहाँ पे इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी बंदा है, उसको दो टाइम पीरियड तक जिंदा रहना ही पड़ेगा, वो पहले नहीं मर सकता। यहाँ पे जो पॉपुलेशन ली गई है टी टाइम पीरियड की, मतलब जब हम यंग हैं, यंग की पॉपुलेशन ली गई है, एल टी से डिनोट किया गया है। एल का मतलब है लेबर, जो भी पॉपुलेशन होगी वो लेबर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें काम करने के लिए कुछ रोजगार चाहिए तो वो लेबर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो टी एल टी इसको नाम दिया गया है। एंड जो नेक्स्ट वाला हमारा पॉपुलेशन, नेक्स्ट वाला हमारा पीरियड है टी प्लस वन, इसमें जो पॉपुलेशन है वो एल टी प्लस वन दी गई है। तो यहाँ पे दोनों जो पॉपुलेशन है दोनों टाइम पीरियड में वो इक्वल है। अब यहाँ पे हम सेकेंड अजम्पशन पे वापस आते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि लोग पहले नहीं मर रहे, लोग ना तो पहले मर रहे हैं और ना जल्दी जल्दी बॉर्न हो रहे हैं, तो जो दोनों यंग और ओल्ड हैं जनरेशन वो इक्वल हैं। जो भी बच्चा यंग टी टाइम पीरियड में, जो भी बच्चा यंग जनरेशन में आता है वही जाके ओल्ड बनेगा,
एंड वहां पे और इतने बच्चे पैदा हो जाएंगे तो वो टी टी टाइम पीरियड नेक्स्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, चाहे वो टी टाइम पीरियड की देखें मतलब यंग पॉपुलेशन देखें या ओल्ड पॉपुलेशन देखें जो कि T+1 है, वो इक्वल है। तो यहाँ पे लेबर भी इक्वल होगी, तो LT इक्वल्स टू LT+1 यहाँ पे कंसीडर किया गया है, अज्यूम किया गया है पहले से ही। अब यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है कॉन्स्टेंट रेट पे, वही हमने बात की जो हमारे यंग, जब हम यंग थे टी टाइम पीरियड में, तो हम वहीं जाके ओल्ड बन जाएंगे। एंड जो अब ये ओल्ड जनरेशन आ गई, इसके साथ एक और नई जनरेशन आ जाएगी, तो वो पॉपुलेशन बढ़ रही है कॉन्स्टेंट रेट पे, ना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है ना ज्यादा तेजी से कम हो रही है, कॉन्स्टेंट रेट पे ही बढ़ रही है, तभी यहाँ पे पॉपुलेशन दोनों टाइम पीरियड में सेम है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल, यहाँ पे जो पैदा हो रहा है वो एक लेबर के साथ एंडोमेंट लेके आ रहा है, मतलब एक लेबर का एंडोमेंट लेके आ रहा है, जो वो रोजगार है एक लेबर का लेके आ रहा है जो भी इंडिविजुअल यहाँ पे पैदा होता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन लेबर से कंसीडर की गई है, जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो लेबर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि सभी का एक यूनिट ऑफ लेबर एंडोमेंट लेके आ रहा है। एंडोमेंट का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, तो इंडिविजुअल जैसे ही पैदा होता है वो एक लेबर की अवेलेबिलिटी पैदा कर देता है। तो यहाँ पे चाहे हम पॉपुलेशन बोलें टी टाइम पीरियड में, चाहे हम लेबर की बात करें टी टाइम पीरियड में, वो रहेगी LT, कैपिटल L से डिनोट किया है। एंड चाहे हम पॉपुलेशन और लेबर की बात करें T+1 टाइम पीरियड में, तो वो रहेगी T L+1। ये इससे हमें डिनोट होगा, हम जब मॉडल पढ़ने वाले हैं आगे, तो इसमें हमें पता चलेगा कि पॉपुलेशन जो पहले यंग वाली है उसको हम LT से डिनोट करेंगे कि लेबर उतनी आई है, एंड LT+1 उसके नेक्स्ट वाली हो गई। ईच इंडिविजुअल वर्क इन इज यंग एज में, ईच इंडिविजुअल मतलब हर एक इंडिविजुअल जो भी लेबर का एंडोमेंट लेके आया है वो यंग एज में काम करता है एंड ओल्ड एज में काम नहीं करता। तो उसकी इनकम जो भी बनेगी वो यंग एज में बनेगी, एंड यंग एज में इनकम कमा के उसमें से सेविंग करके फिर वो सेविंग ओल्ड एज में खर्च करेगा, उसकी जो सेविंग्स होगी वो उसकी ओल्ड एज की इनकम बन जाएगी। पर अभी फिलहाल हम यही देखेंगे कि एक इंडिविजुअल जैसे ही यंग एज में है तो वो अपनी इनकम कमाता है। तो यहाँ पे इनकम वाई से डिनोट होती है, तो इनकम हो गई YT, एंड ओल्ड एज की जो इनकम हो गई वो YT+1 हमने ले ली है। अब आगे देखते हैं, तो इंडिविजुअल कंज्यूम अ पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड सेव द रेस्ट। हमने यहाँ पे बात करी कि जो इंडिविजुअल है वो यंग एज में ही कमा रहा है एंड उसकी ओल्ड एज में कोई इनकम नहीं हो रही है, तो वो यंग एज में कमा के वहीं से सेव करके ओल्ड एज में उसको खर्च करेगा। तो जो इसकी इंडिविजुअल की इनकम जो यंग एज में आ रही है टी टाइम पीरियड में आ रही है, तो वो YT हो गई, टी टाइम पीरियड में आ रही है यंग यंग वाले की इनकम इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग्स। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक तो वो सेव करेगा अपने फ्यूचर के लिए, जब वो ओल्ड हो जाएगा तब उसको खर्च करेगा, एंड यहाँ पे कंजप्शन जो कि नेसेसरी होता है लाइफ को चलाने के लिए। तो YT इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग्स में ये डिवाइडेड है, कंजप्शन को हमने C से डिनोट किया है एंड सेविंग को हमने S से डिनोट किया है, एंड T बता रहा है कि T टाइम पीरियड में ये डिनोशन है। नेक्स्ट अजप्शन आती है, सेविंग्स का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इस मॉडल में हम सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के इक्वल लेके चलेंगे। जो भी बंदा जो भी सेव कर रहा है, जितना भी अमाउंट सेव हो रहा है वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। क्लासिकल्स की अजप्शन है सेविंग्स इज ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे जितनी भी सेविंग्स है यंग जनरेशन ही कर रही है सेविंग्स, क्योंकि ओल्ड सेविंग्स कैसे करेगी, उसके पास तो इनकम ही नहीं आ रही ना। तो यंग जनरेशन जो भी सेविंग कर रही है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती है। अब इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आते हैं जो कि फिर ओल्ड एज में कंज्यूम किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ रहे हैं, अब इन्वेस्टमेंट से रिटर्न करंट टाइम पीरियड में नहीं आएंगे, तो टी में नहीं आएंगे, वो T+1 में आएंगे। तो यहाँ पे हमने आर लिख दिया, जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पैसा वापस मिल रहा है हमारे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, जो हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं उसको हमने आर से डिनोट कर दिया है स्मॉल आर, एंड T+1 यहाँ पे डिनोट किया है कि ओल्ड एज में जाके ही उनको रिटर्न मिलेंगे, यंग एज में तो वो सेव कर रहे हैं। तो सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, जो भी वो सेव कर रहे हैं इन्वेस्ट हो गया एंड उसके रिटर्न्स फिर ओल्ड एज में जाके उनको मिलेंगे। एंड लास्ट इसका पॉइंट है कि नहीं, लास्ट नहीं है, नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि इंडिविजुअल अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस ले लेता है एंड रिटर्न्स भी वापस ले लेता है ओल्ड एज में पहुंच के। जो भी हमने इन्वेस्ट किया था यंग एज में रह के, उससे हमें रिटर्न्स मिले ओल्ड एज में, तो जो भी इंडिविजुअल है वो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस ले लेगा, मतलब जितना उसने इन्वेस्ट किया था यंग एज में रह के वो भी वापस ले लेगा, एंड जो रिटर्न्स आ रहे हैं उस पे इन्वेस्टमेंट पे जो भी रिटर्न्स है वो भी वापस ले लेंगे हम T
किसमें? ओल्ड एज में जाके। तो यहाँ पे T+1 डिनोशन से जो भी हम करेंगे वो T+1 से होगा। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई टी क्यों लिखा है? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करी गई है वो टी टाइम पीरियड में करी गई है। हम टी टाइम पीरियड में रह के ही, मतलब यंग टाइम पीरियड में रह के ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग्स, जो भी सेविंग्स आई, जो भी हमने सेविंग्स की वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो गई, प्लस इसमें क्या आ गया, जो हमारे रिटर्न्स आए, जो हमारी सेविंग्स थी एस थी, इसी पे हमारे रिटर्न्स आएंगे। पर रिटर्न्स कब आएंगे? T+1 टाइम पीरियड में आएंगे, ओल्ड एज में रिटर्न्स आएंगे। तो यहाँ पे एक तो हमें सेविंग्स वाला अमाउंट हमें बैक वापस मिल रहा है, एंड हमें एक सेविंग्स पे जो रिटर्न्स मिले हैं, सेविंग्स इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, रिटर्न्स में सेविंग्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो सेविंग्स का ही एक पार्ट है जो हमें रिटर्न बैक हो रहा है, मतलब सेविंग का एक ऐसा पार्ट जो हमें प्रॉफिट की तरह रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न्स मिलेंगे इससे। अब यहाँ से अगर हम सेविंग्स को बाहर लेके जाना चाहें तो कॉमन लेके जा सकते हैं। तो आई टी इज इक्वल्स टू एस टी ब्रैकेट में 1+RT+1, ये इसका डिनोशन हो गया, ये आगे यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट असम्पशन ये बोलती है कि जो भी इंडिविजुअल अर्न कर रहा है इनकम, वो यंग एज में कर रहा है। जब भी उसकी वर्किंग एज जो है यंग एज है, जहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम रहती है, तो जो भी अर्निंग्स हुई, उसकी इनकम अर्निंग हुई, वही उसकी वेजेस बन गई। यंग एज में ही वो इनकम कर रहा है, तो यहाँ पे टी टाइम पीरियड से डिनोट किया है। नेक्स्ट असम्पशन बताती है, ऑल इंडिविजुअल हैव सेम टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सारे इंडिविजुअल का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो सेम है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगा तो वो अपना कंजप्शन पैटर्न भी चेंज कर लेगा, नहीं। सबके लिए हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि सेम है, तो कंजप्शन भी सेम रहेगा, सेविंग्स भी सेम रहेंगी। अब इस मॉडल में कंसीडर किया गया है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल प्रोडक्शन फंक्शन लगेगा, मतलब जितना इनपुट डाल रहे हैं उतना ही आउटपुट आ रहा है। एंड प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ के, के मतलब कैपिटल। तो कैपिटल लेबर रेशियो, आउटपुट लेबर रेशियो इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन हमने अज्यूम किया है। अब मॉडल की तरफ चलते हैं। तो मॉडल में टोटल इनकम हम देखेंगे। अब वैसे तो हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं मॉडल के अजम्पशंस में ही, अब हम उसके बारे में देखेंगे कि हमें इक्वेशंस कैसे बनानी है। तो टोटल इनकम की बात करें, अगर हम एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम, तो जो भी इनकम है वो यंग एज में ही कमा रहा है, जो भी वेजेस हैं, जब भी काम कर रहा है वो यंग एज में उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। ओल्ड होके तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो वो यंग एज में ही कमा रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी इनकम थी वो वेजेस में कन्वर्ट हो जाती है, हमने पहले भी पढ़ा था। एंड जो इनकम है वो डिवाइड करती है कंजप्शन प्लस सेविंग्स में, और जो इनकम थी वो थी WT, मतलब कि वेजेस के इक्वल। तो यहाँ पे हम इनकम को वेजेस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वेजेस हो गई CT+ST, तो मतलब जितनी भी हमारी वेजेस हो रही हैं वो कंजप्शन में एंड सेविंग्स में डिवाइड हो रही हैं, और सेविंग्स ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाती हैं, वो हम ओल्ड एज में देखेंगे। अभी हम यंग एज का टोटल इनकम देख रहे हैं, तो हमारी यंग एज की टोटल इनकम कितनी आई? वेजेस के इक्वल हुई, एंड वो वेजेस कन्वर्ट हो जाएंगी फिर कंजप्शन एंड सेविंग्स में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ओल्ड एज की इनकम। तो ओल्ड एज में हमारी इनकम कितनी हुई? ओल्ड एज की इनकम हमने डिनोट किससे की थी? T+1 से। तो वाई इनकम का डिनोशन है, एंड T+1 ओल्ड एज बता रहे हैं। तो वाई T+1 इज इक्वल्स टू सेविंग्स, जो भी हमने सेविंग्स की थी, क्योंकि हम ओल्ड में तो कमा नहीं रहे हैं, जितना भी हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो यहाँ पे कम हो जाएगी, जितना भी हमने कमाना था वो यंग एज में कमा लिया। अब यंग एज में हम एक पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरा सेव कर रहे हैं, तो ये जो सेव कर रहे हैं ये हमारी ओल्ड एज की इनकम बन जाएगी, क्योंकि जितना भी हमने सेविंग्स की है वो इसी के लिए की है कि हम ओल्ड एज में जाके उसको यूज कर पाए। तो इस मॉडल में ये अज्यूम किया गया है कि जो सेविंग्स होंगी वो ओल्ड एज के लिए यूज होंगी, एंड सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स इज ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट, ये क्लासिकल्स की अजम्पशन यहाँ पे चूज की गई है। तो यहाँ पे जो इनकम होगी T+1 टाइम पीरियड की वो रहेगी सेविंग्स के इक्वल, तो एस टी के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे टी क्यों आया है, T+1 क्यों नहीं आया? क्योंकि जो हमारी सेविंग्स हुई थी वो हमने करंट लेवल में रह के की थी, मतलब यंग एज में रह के की थी। तो जो भी यंग एज में रह के की थी एस की, वही यहाँ पे इसकी इनकम बन जाएगी ओल्ड एज की T+1 टाइम पीरियड की। अब जो हमारी सेविंग्स थी वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, एंड इन्वेस्टमेंट का अभी हमने फंक्शन देखा था, क्या देखा था? कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो अगर हम यहाँ से सेविंग्स बाहर निकाल लें, तो सेविंग्स प्लस रिटर्न्स वाला पार्ट मिल रहा था हमें, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ हमें रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, तो ये वाला फंक्शन इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमारी ओल्ड एज की इनकम है वो हो जाएगी एस टी, जो कॉमन निकाल दिया हमने सेविंग्स को,
तो सेविंग्स के साथ साथ उसके रिटर्न्स भी यहाँ पे आ जाएंगे, और रिटर्न्स टी प्लस वन टाइम पीरियड में आएंगे क्योंकि रिटर्न्स हमें ओल्ड एज में जाके मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे हमने सेविंग्स के साथ टी इसलिए लिखा है कि जो भी हम सेव करेंगे इन्वेस्ट करेंगे वो यंग एज में रह के करेंगे, ओल्ड एज में तो उसको फिर खर्चा करेंगे, उसको अपनी इनकम बना के उसको कंज्यूम करेंगे। अब यहाँ ऐसे ही हम यहाँ पे टोटल कंजप्शन देख लेते हैं। तो यंग एज का टोटल कंजप्शन क्या होगा, हमारी इनकम में से सेविंग्स माइनस, जितना हम सेव कर रहे हैं उतना इनकम में से माइनस करेंगे तो कंजप्शन आ गया। एंड ऐसे ही ओल्ड एज का कंजप्शन क्या रहेगा, ओल्ड एज में जो हमारी इनकम थी, ये वाली जो हमारी इनकम थी, यही पूरा का पूरा हम कंज्यूम कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम सेव तो कर नहीं रहे हैं, हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सेविंग नहीं होगी ओल्ड एज में। तो जितना भी कंजप्शन है सी टी प्लस वन का, टी प्लस वन मतलब ओल्ड एज, तो जितना भी कंजप्शन होगा वो हमारी इनकम के इक्वल हो जाएगा, और इनकम कितनी थी, हमारी सेविंग्स प्लस रिटर्न्स के इक्वल थी। तो यहाँ पे सेविंग्स यही वाला फंक्शन लिख दिया हमने, जो भी हमने इन्वेस्ट किया था वो, और साथ में हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो यही हमारी ओल्ड एज की कंजप्शन हो गई क्योंकि हम यहाँ पे सेव नहीं करेंगे। अब देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या रहेगी, हमने इनकम देख ली, कंजप्शन देख ली, टोटल यूटिलिटी क्या रहेगी। तो टोटल यूटिलिटी को हमने स्मॉल यू से डिनोट किया है। यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सी टी। सी टी का मतलब क्या है, हम करंट कंजप्शन क्या कर रहे हैं, मतलब यंग रह के कंजप्शन क्या कर रहे हैं एंड ओल्ड रह के कंजप्शन क्या कर रहे हैं, यही हमारी यूटिलिटी है कि जो हम कंज्यूम करते हैं वही यूटिलिटी होती है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें कंज्यूम से ही चाहिए होती है, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी यूटिलिटी गुड्स हम अपने पास खरीद रहे हैं ला रहे हैं, उसी से हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। तो यहाँ पे भी एम यही रहेगा यूटिलिटी का कि हमें यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, इस मॉडल का एम यही है कि हमें यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, मतलब कि सी टी प्लस सी टी प्लस वन जो हमारा यंग कंजप्शन है और ओल्ड कंजप्शन है इसको हमें मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज करना है। अब यहाँ पे इसको ही थोड़ा डिनोट करते हैं, ये जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन था इसको ही हमने तोड़ दिया। जो सी टी प्लस वन था हमने टी प्लस वन में क्या लिया है, सी टी प्लस वन क्या था हमारा कंजप्शन ओल्ड एज का, वो हमारा सेविंग्स प्लस रिटर्न्स था, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया है सेविंग्स प्लस रिटर्न। अब यहाँ पे हमारा सेविंग्स क्या रहेगा, अगर मैं ये वाली इक्वेशन को उठा के पूरा इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, ये वाली पूरी इक्वेशन मैंने यहाँ से उठाई है एंड इसके डिनोमिनेटर में ले गई, जो कंजप्शन वाला ओल्ड एज कंजप्शन थी उसके डिनोमिनेटर में मैं ले गई, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम देखेंगे डब्ल्यू टी क्या था हमारा, डब्ल्यू टी क्या था, जो यंग एज में रह के हम वेजेस कमा रहे थे वो सी टी प्लस एस टी था, तो यहाँ पे सी टी का सी टी रह गया एंड एस टी का ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि इस यूटिलिटी फंक्शन को या फिर इस कंजप्शन पैटर्न को हम मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज कर पाए, तो यहाँ पे इसी को ऑप्टिमम यूटिलिटी, ऑप्टिमम कंजप्शन बोला गया है। डब्ल्यू टी जो हमारी वेजेस हैं टी टाइम पीरियड की, उसी को ऑप्टिमम कंजप्शन यहाँ पे बोला गया है। हमारा एम इस मॉडल में यही रहेगा कि हमें मैक्सिमाइज करना है अपनी यूटिलिटी फंक्शन को। यूटिलिटी फंक्शन में जो दोनों कंजप्शन आ जाती है, करंट लेवल की कंजप्शन भी आ जाती है एंड ओल्ड लेवल की कंजप्शन भी आ जाती है। जो करंट लेवल की कंजप्शन है वो हमारी करंट इनकम होगी, जो भी डब्ल्यू टी है उसमें से अगर हम सेविंग्स माइनस कर दें तो करंट लेवल की कंजप्शन हो जाएगी। एंड ओल्ड लेवल की कंजप्शन क्या होगी, जो भी हमने सेव किया है, जो भी इस इनकम से बचा के हमने सेव किया है या इन्वेस्ट किया है, क्योंकि सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड, तो यहाँ पे ओल्ड एज की कंजप्शन हो गई सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के इक्वल। तो हमारा अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें लाइफ टाइम कंजप्शन, जो हमारा सी टी है एंड सी टी प्लस वन लाइफ टाइम कंजप्शन हो गया ये, इसी को हमें मैक्सिमाइज करना है। अब हम देखते हैं डब्ल्यू टी, डब्ल्यू टी कैसे डिनोट करता है। तो यहाँ पे हमें बस सेविंग्स की जगह सी टी प्लस वन उठा के रखना है कि हमारा जो वेज रेट है वो सी टी मतलब कंज्यूम जो हम करंट टाइम पीरियड में कर रहे हैं प्लस एस टी, इसी में डिवाइड होता है। एंड हमने अगर ये वाली चीज जो हमारी सेविंग्स है वो यही है ना कि जो हम ओल्ड एज में कंज्यूम कर रहे हैं, इसी को यहाँ पे उठा के रख दिया, तो ये बन गया हमारा ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। अब हम देखते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारा मॉडल यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब कैपिटल फॉर्मेशन देखते हैं, हमारी कैपिटल फॉर्म कैसे हो रही है इस मॉडल में अगर हम दो टाइम पीरियड में जिंदा हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखेंगे, कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट से बनती है, रिटर्न आ रहे हैं उस पर, तो इन्वेस्टमेंट जो हमने करंट लेवल पे की, करंट लेवल में मतलब यंग लेवल में की, यंग लेवल में रह के हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वही हमारी कैपिटल फॉर्म करेगी। कैपिटल को हमने के से डिनोट किया है, तो के टी प्लस वन जो हमारी ओल्ड एज में कैपिटल है, जो हमारे रिटर्न आए या इन्वेस्टमेंट का जो हमारा प्रिंसिपल बैक हुआ वो हमारी ओल्ड एज की कैपिटल पैटर्न हो गया, उसमें से हम माइनस कर देंगे करंट लेवल का जो हमारा यंग लेवल का
कैपिटल थी, तो उसमें से अगर माइनस कर देंगे, ओल्ड एज माइनस यंग एज हो जाएगी, तभी वही हमारी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी यंग एज की जो हमने करी है। अब इस केस में हमारे पास स्टेडी स्टेट तो आते हैं, पर मल्टीपल स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम निकल के आते हैं, वो हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे लिया है के टी का मतलब जो हम यंग लेवल में रह के कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, एंड KT+1 जो हमने वाई एक्सिस पे लिया है तो ओल्ड एज में रह के जो हम कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं। ओल्ड एज में कैपिटल फॉर्म कैसे होगी, जो हमने इन्वेस्ट किया है उस पर रिटर्न्स मिलेंगे तब, एंड यंग एज में रह के कैपिटल फॉर्म कैसे होगी, जो हमने इन्वेस्ट किया है वही सेविंग्स इज ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे हमने 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करी है। अगर हम ओल्ड एज में जाके ही हमें पैसा मिलता है, यंग एज में तो हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो जो हमने कैपिटल फॉर्म की उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया, ओल्ड एज में जाके हमें वहां से रिटर्न्स मिलेंगे, पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करा है, तो ये वाली लाइन जो है ये ओल्ड एज की कैपिटल फॉर्मेशन को दिखा रही है। तो यहाँ पे ये जिगजैग लाइन ही बनेगी, एक एक तरफ से ऊपर जा रही है, फिर नीचे आके फिर से ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे जब ये 45 डिग्री लाइन को टच करती है तो यहीं पे इक्विलिब्रियम निकलते हैं। तो E1 हो गया यहाँ पे इक्विलिब्रियम, एंड E2 यहाँ पे हो गया इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम है E1 और E2 लेवल पे। पर यहाँ पे अगर हम देखना चाहें E1 लेवल पे तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन ऊपर से हमारा आ रहा है। कंजप्शन कैपिटल जो लेवल है, इन्वेस्टमेंट लेवल का हो, कैपिटल फॉर्मेशन का हो, ये ऊपर की तरफ से आ रहा है, तो ऊपर से कट होगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। पर जब ये नीचे की तरफ से जा रहा है, नीचे से कट हो रहा है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब यहाँ पे यही बात है कि अगर हमारे ओल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन अगर कट कर रहा है 45 डिग्री को अबव से, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर ये बिलो से कट करेगा तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यही था आपका ओवरलैपिंग जनरेशन मॉडल। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।